गया उक्त कृषक द्वारा 32x230 फीट में मुर्गी फार्म का निर्माण किया जा रहा है। इसमें पटवारी ने कहा लिखा है कि यह मुर्गी फार्म अवैध कब्जा में पड़ रहा है कि उसकी लगानी जमीन में पड़ रहा है, और आपने फैसला दे दिया कि उस मुर्गी फार्म को छोड़ के शेष जमीन अतिक्रमण को हटाया जाए। ऐसी होता है आपका निर्णय, बीत जाते हो आप लोग। ग्रामीण क्या करेंगे, ये गलत है, अगर ये गलत होगा चले जाएंगे। मुर्गी फार्म को छोड़ के शेष को हटाया जाए तो किसको हटाओगे आप? मुर्गी फार्म को यथास्थिति रखने के लिए आप डिसीजन देते हो पैसा खा के। ये ग्रामीण बेवकूफ है जो 3 महीने से आपके पैर में गिर रहे हैं अपने जंगल को बचाने के लिए। अगर ये जंगल नहीं बचेगा, मैं बोल रहा हूँ किसी का औकात नहीं, पूरा जंगल को गाँव वाले खेत बनाएंगे। आके दिखा देना और एक पुलिस को लेकर आ जाना, गोली चला दिखा देना, वहीं पर सर को अलग कर दिया जाएगा। आप लोग मजबूर करते हो गलत काम करने के लिए ग्रामीणों को, गाली गो करो देने के लिए आप लोग उसकाते हो। बताइए ये गलत है कि सही है, बताइए। वो नहीं क्या कहा चाहिए। कितना आप लोग को भी नमक लगना चाहिए, जहाँ पर ग्रामीण जंगल को बचाना चाहते हैं वहाँ पर आप लोग बिक जाते हो। शर्मानी चाहिए, सराय का पेड़ बड़ा बड़ा पेड़। मैं बोल रहा हूँ अगर वो मुर्गी फार्म वैध भी निकल जाएगा मेरे खिलाफ FIR होना चाहिए। FIR मैं बोल रहा हूँ। तो आप पुलिस बुला लीजिए, क्या कर रहे हैं कल लीजिए। वैसे भी आया है त्रिपाठी साहब जमा, और उसके बाद देखना गांव में खड़ा हो रहा है साहब, डंडा में रख रहे गाड़ी में। आप लोग मजबूर करते हो, जनता को उकसाते हो कि गलत काम करने के लिए और कानून को अपने हाथ में लेने के लिए। कुछ जवाब है इसका? जवाब है आपका है साहब, आपके पटवारी का पूछिए। ये प्रतिवेदन कार्य है, पटवारी को बुलाइए, आप जब जानते हैं बुलाइए पटवारी को। वो अगर बोलते वैध में है करके तो फिर हम ना पाएंगे ले जाना हमारे सब कभी हमारे खैर चल गया। शासन को डिस्टर्ब कर रहे हैं यही साहब है, बोलो इनको हमारे खिलाफ FIR करें।